वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आई हुई एक वैकेंसी जो कि नेशनल हेल्थ मिशन मतलब NHM द्वारा जारी की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये जो वैकेंसी इस संविदा पे है जिसे आप टेम्परेरी कहते हो ना, तो वो टेम्परेरी ये वैकेंसी होने वाली करीब करीब 2900 के आसपास जो है ना वैकेंसी हैं। ठीक है, 2900 के आसपास। तो इसमें हम डिटेल बताने वाले हैं, जैसा कि नेशनल हेल्थ मिशन, आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि ये स्वास्थ्य विभाग मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं एक एक करके जो है सबसे ज़रूरी बातें। तो जो सबसे ज़रूरी बात ये आती कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू हैं, तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके चालू हो चुके हैं, आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी से भर सकते हैं। ठीक है, आपके 18 तारीख से चालू हो गए और 7 जनवरी 2022 तक चलेंगे। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। भारत का कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बट क्योंकि वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चों को ही रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए। ठीक है, बाकी फॉर्म कोई भी भर सकता है। ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की या किसी भी राज्य का दूसरा हो। अब देखिए, जो वैकेंसी है इसके आप पोजीशन नेम देख सकते हैं और प्रोग्राम का नेम देख सकते हैं। जो मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सारी लैब टेक्नीशियन के लिए है। ठीक है, आप देख सकते हैं वैकेंसीज कितनी है। जो प्रोग्राम है ब्लड सेल, इसमें आप देखिए पोजीशन क्या है, किस पोजीशन के लिए जा रहे हो, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, और बगल में आपके वैकेंसी लिखी हुई है। ठीक है, और सबसे लास्ट में देखिए आप कितना पैसा मिलेगा प्रति महीने के हिसाब से। जैसे लैब टेक्नीशियन करीब वही 18,000 के आसपास ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके सारे जो है ना प्रोग्राम का और पोस्ट का आपको सबसे लास्ट में पेमेंट देखने को मिल जाएगा, और जो है ना पोजीशन के बगल में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप नेशनल प्रोग्राम और NUHM और नेशनल प्रोग्राम में जिस जिस पोस्ट के लिए आप सबसे जैसे नीचे वाली पोस्ट देखेंगे सीनियर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग सैलरी दे रहे हैं, 28,000 के आसपास सैलरी है। ठीक है, और बाकी जो लैब टेक्नीशियन उनकी सैलरी थोड़ी सी कम कर रखी है। तो ये सैलरी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसकी कितनी सैलरी है आपकी। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख लीजिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसे भी आप वीडियो पॉज करके यहीं से आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, या कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट सबसे आसान होता है, मोबाइल है तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम का नेम है ब्लड सेल, ठीक है, उसमें जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है उसकी मैक्सिमम एज 40 है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे कि ब्लड सेल के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, ठीक है, या डिप्लोमा होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, और साथ में यूपी के मेडिकल जो काउंसिल है स्टेट मेडिकल काउंसिल उससे रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, और एसेंशियल एक्सपीरियंस किसी किसी पोस्ट में मांगा गया है, किसी में एटलीस्ट 6 मंथ, जैसे कि ऊपर ब्लड सेल के लिए 6 मंथ चाहिए था। ठीक है, डिजायर वाले की बात नहीं, जरूरी नहीं है वो। ठीक है, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस प्रोग्राम में किस पोस्ट के लिए आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। अब जैसे कि हम बात करते हैं NCD के लिए बात करते हैं, जो लैब टेक्नीशियन है उसकी डिग्री मांगी गई है मेडिकल लेबोरेटरी में और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में, और एटलीस्ट 2 साल का है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। तो नेशनल प्रोग्राम के लिए अगर आप देखेंगे तो लैब टेक्नीशियन के लिए देख सकते हैं इंटरमीडिएट मांगा गया है या डिप्लोमा मांगा गया है इन मेडिकल लेबोरेटरी में, और इक्वलेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश मेडिकल जो आपका काउंसिल है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप प्रत्येक प्रोग्राम और प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ से आप एसेंशियल एजुकेशन देख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ें हैं तो आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा हेल्थ से रिलेटेड मांगा जाएगा। ठीक है, वैसे जो लैब टेक्नीशियन का पद है उसमें डिप्लोमा वाले पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास उसी तरह का डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। किसी किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, किसी में 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी पोस्ट वाइज अपना एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो कितने की डिमांड है, और कईयों में मांगा भी नहीं गया। जैसे कि NUHM के लिए आप देखेंगे तो इसमें भी लैब टेक्नीशियन का 13 और 14 नंबर पर आप देखेंगे तो लैब टेक्नीशियन के ये भी पद हैं, तो इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको मांगा गया है लेबोरेटरी सर्विस में बाय एनी किसी भी इंस्टीट्यूट से, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। ठीक है, तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और जो 14 नंबर पर लैब टेक्नीशियन का पद है उसमें भी रजिस्ट्रेशन मांगा गया यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से और डिप्लोमा लेबोरेटरी सर्विसेज में होना चाहिए, और जैसे 15 और 16 नंबर में है
15 नंबर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन 16 नंबर में एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो अब देखेंगे इसका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो एक रिटन एग्जाम के बेस पर होगा। एक रिटन एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या आएगा, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक प्रश्न का एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब जो आपका पेपर है ये दो भागों में बटा होगा, जो सेक्शन वन है उसमें 80 नंबर का होगा, सेक्शन टू 20 नंबर का होगा। जो सेक्शन वन है उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा करके इसमें भर्ती हो रहे हो तो जिससे आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, उस डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपकी डोमेन है, ठीक है। जो सेक्शन टू है उसमें जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है तो आप बेहतरीन इसमें स्कोर कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।